हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एनडीए सरकार की रफेल डील को लेकर जयपुर स्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान जो रफेल विमान 526 करोड़ में खरीदा जा रहा था वो भाजपा की सरकार बनते ही रातों रात 1670 करोड़ रुपए हो गया है। ऐसे में ये दर्शाता है कि हमारे देश के जवान जो अपनी जान हथेली पर लेकर देश की सुरक्षा का काम करते हैं उनके लिए सामान और अन्य हथियारों की खरीद में भाजपा राज में भ्रष्टाचार हो रहा है। हुड्डा ने कहा कि राफेल विमान बनाने वाली कंपनी डसाल्ट एविएशन ने 13 मार्च 2014 को एक वर्कशेयर समझौते के रूप में सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 36,000 करोड़ रुपए की ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वर्ष 2015 में 36 रफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की भाजपा सरकार ने एक तरफा घोषणा की। सरकार कंपनी HAL को इस सबसे बड़े डिफेंस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर दिया गया और इसे एक निजी क्षेत्र की कंपनी को दे दिया गया। हुड्डा ने कहा कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में रक्षा खरीद प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी और प्राइस नेगोशिएशन कमेटी को भी दरकिनार किया गया। उन्होंने कहा कि उक्त खरीद प्रक्रिया में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भी अंधेरे में रखा गया। इतने बड़े मामले में मंत्रिमंडल की बैठक भी खरीद समझौते को अंजाम देने के मात्र 2 दिन पहले आयोजित की गई। हुड्डा के मुताबिक खुद रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने फरवरी 2017 में प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया था कि रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड का डॉसल्ट एविएशन के साथ जॉइंट वेंचर डॉसल्ट रिलायंस एविएशन गठित किया गया है, जिसमें डॉसल्ट एविएशन के एरी टिपियर चेयरमैन हैं और अनिल अंबानी चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि उक्त संपूर्ण प्रक्रिया से साबित हो गया है कि रफेल खरीद घोटाला में बड़ा भ्रष्टाचार है और इसकी कीमत को छिपाकर सरकार उक्त प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहती है। वहीं PCC चीफ सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि UPA सरकार के दौरान 526 करोड़ रुपए में आने वाला रफेल विमान भाजपा सरकार में 300% महंगा कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि 126 विमान की जगह सिर्फ 36 विमान ही क्यों खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही उक्त खरीद प्रक्रिया में अपारदर्शिता के कारण सरकार से JPC गठन की मांग कर रही है ताकि खरीद प्रक्रिया की स्पष्ट वस्तु स्थिति सामने आ सके। जयपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।